नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून विश्वविद्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में 36 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में साल 2021 के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 669 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थियों में से 24 छात्राएं शामिल थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की थीम उभरती नारी शक्ति को चरितार्थ भी किया। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर मौजूद उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया, उनका जायजा लिया। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए ये भी कहा कि ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने पद्मश्री बसंती बिष्ट और माधुरी बर्थवाल के लोक गायन और लोक संगीत के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की भी सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए कहा कि दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन की स्मृति इन विद्यार्थियों के जीवन यात्रा में हमेशा के लिए संजोने वाली स्मृति रहेगी। आज इन विद्यार्थियों का एक सपना साकार हो रहा है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि दून विश्वविद्यालय युवाओं को सक्षम बनाने और उनको कौशल प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। विश्वविद्यालय के द्वारा 5 विदेशी भाषाओं और 3 स्थानीय भाषाओं का भी अध्ययन करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा खासतौर पर स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए भी एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा है कि हमारी लोक भाषाएं हमारी लोक संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने पहुंची। उसके बाद वो वहां से दून यूनिवर्सिटी पहुंची। इस दौरान देहरादून में पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर उनके काफिले के दौरान, उनकी फ्लीट के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया गया था और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को भी कई जगहों पर रोका गया था। इससे शहर में जाम की स्थिति भी कई जगहों पर देखने को मिली। बहरहाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट चुकी हैं। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर दीजिए। नमस्कार।